रखने वाले हैं कस्टम ऑडियंसेस इन फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स में कस्टम ऑडियंसेस को हम कैसे क्रिएट करें, ये सब हम देखने वाले हैं। कुछ फिलहाल की कुछ वीडियोस में हमने ये देखा, फेसबुक में अलग अलग टाइप्स की ऑडियंस होती है जो आप टारगेट करते हो। एक होती है सेव्ड ऑडियंस, एक होती है कस्टम ऑडियंस। क्या होते हैं? एक कस्टम ऑडियंस, एक क्या होते हैं? एक होती है लुक अलाइक ऑडियंस। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि सेव्ड ऑडियंस क्या होती है, कस्टम ऑडियंसेस क्या होती है, लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो पुराने वीडियोस को देखिए, ठीक है। इसके बाद मैंने अगली वीडियो में क्या डिस्कस किया था, सेव्ड ऑडियंस के बारे में पूरा डिटेल में मैंने डिस्कशन कर लिया था। सेव्ड ऑडियंस के बारे में कैसे हम टारगेट कर सकते हैं, कैसे हम क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, डेमोग्राफिक के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे, किस किस के बेस पे सेव्ड ऑडियंसेस को आप किस किस बेसिस पे टारगेट कर सकते हो, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के बेस पे टारगेट कर सकते हो। बहुत अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया। अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, कस्टम ऑडियंसेस के बारे में डिस्कस करने वाला। क्या? कस्टम ऑडियंसेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता दूंगा कस्टम ऑडियंस क्या है, फिर हम डायरेक्टली एड्स मैनेजर में जाएंगे, एड अकाउंट पे जाएंगे कि कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं एक बार बता देता हूँ कस्टम ऑडियंसेस क्या होती है। देखो, जब भी आप एड चलाने जाओगे, जब भी आप फेसबुक में एड चलाने जाओगे, ठीक है, जब भी आप फेसबुक में एड चलाने जाओगे, बहुत अच्छी बात है, आप मतलब पहली बार फेसबुक में एड चलाने जा रहे हो, आपका बिजनेस है मान लो रियल एस्टेट का, ठीक है, आपने आज के आज लैंडिंग पेज बनाया, फेसबुक का अकाउंट बनाया, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और आप क्या करने लगे, आप करने लगे फेसबुक में एड चलाने लगे, बहुत अच्छी बात है। आप कौन सी एड चलाने लगे? ट्रैफिक एड चलाने लगे, ठीक है। सिनेरियो मैं जो दे रहा हूँ उसको एज्यूम करते जाना, आपने एक नया एड अकाउंट बनाया, नया फेसबुक पेज बनाया, नया इंस्टाग्राम पेज बनाया और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, रियल एस्टेट के लिए एड चला रहे हो, कौन सी? ट्रैफिक एड चला रहे हो, बहुत बढ़िया। तो आप जब भी पहली बार एड चलाओगे तो आप कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, सेव्ड ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हो, मतलब जो कि फेसबुक का खुद का डेटाबेस बनाता है। आपको कोल्ड ऑडियंस को ही टारगेट करना पड़ेगा, मतलब कि आपको किन बेसिस पे टारगेट करना पड़ेगा, आपको आपको डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के बेसिस पे टारगेट करना पड़ेगा, मतलब कि ऐसे लोगों का डेटा जिनका डेटा फेसबुक पर पड़ा हुआ है, फेसबुक पर पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब कि कोल्ड ऑडियंस है एक तरह से, इन्होंने आपके बिजनेस के साथ कभी भी इंटरेक्शन ही नहीं की, मतलब कि ऐसे लोगों का डेटा जो फेसबुक में पड़ा हुआ है, जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ कभी भी इंटरेक्शन ही नहीं की, आप उनको टारगेट करने जा रहे हो, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ? सेव्ड ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। मतलब सेव्ड ऑडियंस में हम किस पे रिलाय करते हैं? फेसबुक के खुद के डेटा पे रिलाय करते हैं, जो भी फेसबुक का डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर के बेस पे टारगेटिंग होती है, एज वगैरह के बेस पे टारगेटिंग होती है, लोकेशन वगैरह के बेस पे टारगेटिंग होती है, बस हम वही करते हैं। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने फेसबुक को बता रखा है मेरा डेमोग्राफिक है, मेरा इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट मतलब कि मैं इन इन टाइप के फेसबुक पेज को लाइक करता हूँ, बिहेवियर के बेस पे, मतलब जो डेटा फेसबुक के पास है मैं उन्हीं डेटा को टारगेट कर रहा हूँ, एक तरह से वो कोल्ड ऑडियंस है जिन्होंने मेरे बिजनेस के साथ आज तक इंटरेक्ट नहीं किया, ठीक है, ये होगी सेव्ड ऑडियंस। बट कस्टम ऑडियंस क्या होती है? आप देखो, एक महीना हो गया आपको एड चलाते चलाते, दो महीना हो गया, छह महीना हो गया आपको एड चलाते चलाते, बहुत अच्छी बात है भैया, एड चलाते चलाते हो गया। अब देखो इस टाइम के दौरान, ठीक है, क्या होगा, अगर आपको इतना टाइम हो चुका है एड चलाते चलाते तो क्या होगा, कुछ लोग हो सकता है आपके लैंडिंग पेज पर आए, कुछ लोग हो सकता है आपके आपके फेसबुक पेज के साथ एंगेजमेंट शो करे, कुछ लोग हो सकता है आपके क्या करे, कन्वर्जन करे, बहुत अच्छी बात है, लोग कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ, एक बंदा आपके लैंडिंग पेज पर आया बट कन्वर्जन नहीं किया, क्या कंडीशन में बोल रहा हूँ, एक बंदा लैंडिंग पेज पर आया बट कन्वर्जन नहीं किया, मैं रियल एस्टेट के केस में कन्वर्जन क्या होगा, थैंक यू पेज का लोड होना, एक लीड जन का, लीड जनरेशन की बात कर रहा हूँ, लैंडिंग पेज पर तो आया बट कन्वर्जन नहीं किया, क्या आप इसे रिटारगेट कर सकते हो? डेफिनेटली आप रिटारगेट कर सकते हो, अगर अगर आपके आपका वेबसाइट, अगर आपका वेबसाइट फेसबुक पिक्सल से कनेक्टेड है या नहीं। लेकिन रिटारगेट करने के लिए आपको ऑडियंस बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी, ऑडियंस बनानी पड़ेगी, वो ऑडियंस को बोलते हैं कस्टम ऑडियंस। अब आपकी क्या ऑडियंस हो सकती है, ऐसे लोग, क्या ऐसे लोगों को फेसबुक टारगेट कर जो मेरे लैंडिंग पेज पर तो आया, जो मेरे वेबसाइट के इस पेज पर्टिकुलर पेज पर तो आया बट थैंक यू पेज पर नहीं गया। मैं एक उसका एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, लीड जन का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ।
ऐसे लोग जो मेरे लैंडिंग पर पेज पर तो आया बट थैंक यू पेज पर नहीं गए, इट मींस उन्होंने कन्वर्जन नहीं किया। ऐसे लोगों को ढूंढ, ये क्या है, एक तरह की ऑडियंस है, एक तरह की क्या है ये ऑडियंस है। इस टाइप की ऑडियंस को हम कैसे क्रिएट करें ये हम देखने वाले। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टम ऑडियंस अगर आपको बनानी है, कस्टम ऑडियंस को टारगेट करना है, एक कंडीशन का होना मस्ट है, फेसबुक पिक्सल आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड होना चाहिए। फेसबुक पिक्सल आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल नहीं है तो भाई कस्टम ऑडियंस आप क्रिएट नहीं कर सकते। एक दूसरे टाइप की ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। कस्टम की दो वैरायटी होती है, एक होता है मेटा सोर्सेज, एक होता है यूअर सोर्सेज, वो मैं बताने वाला हूँ। बट अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो आपके लैंडिंग पेज पर तो आया बट कन्वर्जन नहीं किया, इस टाइप की मैट्रिक्स, मतलब कि लैंडिंग पेज किसका है, आपका है। अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहो जो आपकी प्रॉपर्टी आपके वेबसाइट से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फेसबुक पिक्सल मस्ट है कनेक्ट करना अपनी वेबसाइट से, तभी आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ और टाइप के आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो विदाउट फेसबुक पिक्सल, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली कहां जाता हूं, एड अकाउंट पे मैं चला जाता हूँ। ये देखो एड अकाउंट पे मैं आ चुका हूँ, मेरे सामने एक एड अकाउंट मैंने खोल दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड बार में आपको ये थ्री डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पे ऑडियंसिस टैब आपको दिख रहा होगा। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आपको क्या जाना है, आपको ऑडियंसिस के टैब पे जाना है। बहुत अच्छी बात, आप ऑडियंस के टैब पे चले गए। अब आपको जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, ठीक है, आप आ जाओगे इस इंटरफेस पे, ठीक है। इस इंटरफेस मैंने, आप देख सकते हो कुछ टाइप की मैंने कस्टम ऑडियंस बना रखी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम कहां जाते हैं, क्रिएट ऑडियंस वाले टैब पे जाते हैं। आपको जाना है कस्टम, क्या जाना है, कस्टम। लुक अलाइक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आ रहा है यहां पे यूअर सोर्सेज और यूअर मेटा सोर्सेज, यूअर सोर्सेज एंड यूअर मेटा सोर्सेज, ठीक है। क्या मतलब है, वेबसाइट किसकी है, आपकी है। ऐप किसकी है, आपका है। कैटलॉग किसका है, आपका है। कस्टमर लिस्ट किसकी है, आपकी है। मतलब यूअर सोर्सेज में क्या आ गए, सारे के सारे आपके सोर्सेज आ गए। मतलब कि भाई वेबसाइट किसकी होगी, वेबसाइट आपकी होगी। अगर आपको वेबसाइट के बेस पे क्या, अगर आपको वेबसाइट के बेस पे क्या कस्टम ऑडियंस बनानी है, तो फेसबुक पिक्सल कनेक्टेड होना चाहिए। फेसबुक पिक्सल कनेक्टेड होना चाहिए क्यों, ताकि वेबसाइट से यूजर के इंटरेक्शन किसके पास जाए, फेसबुक के पास है, फेसबुक कैप्चर करता रहे। इसलिए मैं कह रहा था फेसबुक पिक्सल होना मैंडेटरी है, अगर आप वेबसाइट के बेस पे क्या करना चाह रहे हो, कोई ऑडियंस बनाना चाह रहे हो कि बंदा लैंडिंग पेज पर तो आया बट थैंक यू पेज पर नहीं गया, इट मींस ये कंडीशन है। ये कंडीशन कहां पे हो रही है, ये कंडीशन हो रही है आपके वेबसाइट पे। तो वेबसाइट का क्या मस्ट है, वेबसाइट का पिक्सल के साथ कनेक्टेड होना जरूरी है, अगर आप यूअर सोर्सेज में वेबसाइट या ऐप वगैरह को सिलेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे बंदे अगर आप वेबसाइट के बेस पे आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। मेटा सोर्सेज, अब देखो मेटा सोर्सेज क्या, वीडियो, लीड फॉर्म, फेसबुक पेज, इंस्टेंट एक्सपीरियंस। मान लो आप एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हो जिन लोगों ने आपके फेसबुक पेज के साथ इंटरेक्ट किया, फेसबुक पेज के साथ इंटरेक्शन शो किया या एंगेजमेंट शो किया, फेसबुक पेज के साथ एंगेजमेंट शो किया। तो ये किसका, अब देखो फेसबुक किसका है, फेसबुक किसका, मेटा का है। बहुत अच्छी बात है, फेसबुक मेटा का है। तो है एंगेजमेंट, आखिरकार क्या यहाँ पे पिक्सल होना कनेक्टेड होना जरूरी है, नहीं। अगर आप फेसबुक के बेस पे फेसबुक पेज के पेज पे किसी ने इंटरेक्शन की है, कोई वीडियो वगैरह वॉच की है, उसके बेस पे अगर आप टारगेट करना चाह रहे हो, तो आपको पिक्सल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्टिविटी कहाँ हो रही है, फेसबुक के पास हो रही है। फेसबुक के पास खुद का तो डेटा है या वो अपने आप कैप्चर करता रहता है। बट जब आपकी बात होगी वेबसाइट के बेस पे, अगर आपको कन्वर्जन बनाना है, वेबसाइट के बेस पे कोई ऑडियंस बनानी है, तो आपके क्या हो जाता है, पिक्सल कनेक्टेड होना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या चलते हैं, पहले हम एग्जांपल से समझेंगे बहुत अच्छी तरह से, तब आपको समझ आएगा। वेबसाइट के अंदर मैं आपको क्लिक करता हूं, क्या वेबसाइट के अंदर मैंने क्लिक किया और क्या करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। वेबसाइट के अंदर मैं क्लिक करूंगा, बेसिकली क्या है, ये मेरा ई कॉमर्स स्टोर है। मैं इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ऐसे लोग, सोर्स देख रहे हो, सोर्स मैंने वेबसाइट सेलेक्ट किया था, तो सोर्स क्या होगा, मुझे कोई ना कोई अपना पिक्सल सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने मल्टीपल अलग अलग मेरे पिक्सल है, तो मैं अपने एक पिक्सल को कनेक्ट कर लूंगा, एक पिक्सल को मैं चूज कर लूंगा,
बहुत अच्छी बात है, मैंने एक पिक्सल को चूज कर लिया, ठीक है। मतलब अब मैं वेबसाइट के बेस पे बना रहा हूँ, ये देखो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, मैं किसके बेस पे ऑडियंस बना रहा हूँ, मैं ऑडियंस बना रहा हूँ वेबसाइट के बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा हूँ, अब वेबसाइट के बेस पे बना रहा हूँ, तो पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, वेबसाइट के बेस पे बनाने के बाद आपका पहला इंपॉर्टेंट काम ये होगा, आपको पिक्सल आईडी अपनी सेलेक्ट करनी है, आपने पिक्सल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब क्या नेक्स्ट, अब आपको कंडीशन देनी है, ऐसे लोग जो आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर, ऐसे लोग जो आपके वेब पेज पर, कोई स्पेसिफिक वेब पेज पर है, मैं इसको कंडीशन ट्रिगर करके बताता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फेसबुक पिक्सल को मैंने, आपका सोर्स मैंने सेलेक्ट किया फेसबुक पिक्सल, अब मैं बता रहा हूँ ऐसे लोग जो मेरे वेबसाइट के स्पेसिफिक पेज पर आए, ऐसे लोगों को टारगेट कर फेसबुक जो वेबसाइट के स्पेसिफिक पेज पर आए हैं, जो जिस पेज का यूआरएल में प्रोडक्ट मेंशन हो, क्या जिस पेज के यूआरएल में प्रोडक्ट मेंशन हो, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, क्यों देखो मेरे पास एक वेबसाइट है, ये देखो मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, ये वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के बेस पे मैं टारगेटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, एक दो मैं क्या करता हूँ, एक दो मैं प्रोडक्ट खोल लेता हूँ, जैसे एक दो मैं प्रोडक्ट खोल लेता हूँ, आपको मैं पूरा एग्जांपल से, पूरा केस स्टडी से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। देखो अगर आप किसी भी यूआरएल को देखोगे ना, आप देखोगे प्रोडक्ट सब में कॉमन आ रहा है, ये देखो हर एक प्रोडक्ट इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी प्रोडक्ट कॉमन आ रहा है, जितने भी आप वेबसाइट में प्रोडक्ट्स देखोगे ना, आपको क्या एक ई कॉमर्स स्टोर में आपको प्रोडक्ट्स आ रहा है, ठीक है। मैं मतलब अब मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ, ऐसे बंदों को ढूंढ इन द लास्ट 30 डेज, जिन्होंने मेरे एक ऐसे उन पेजेस को विजिट किया होगा जिन पेजेस के यूआरएल में क्या है, जिन पेजेस के यूआरएल में प्रोडक्ट्स आ रहा है, यहाँ पे मैंने कंटेंट्स रखा हुआ है, जिनके बेस में प्रोडक्ट्स आ रखा हुआ है, तो मतलब हो क्या रहा है, अब फेसबुक किन लोगों को ढूंढेगा, फेसबुक उन लोगों को ढूंढेगा जिन लोगों ने मेरे प्रोडक्ट पेज को व्यू किया, जिन लोगों ने मेरे प्रोडक्ट पेज को व्यू किया है। अब फेसबुक किन लोगों को ढूंढेगा, जिन लोगों ने मेरे प्रोडक्ट पेज को व्यू किया है। मैं फेसबुक को क्या कह रहा हूँ भाई, उन लोगों को ढूंढ जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट पेज को व्यू किया इन द लास्ट 30 डेज, ठीक है। फेसबुक उन लोगों को ढूंढ जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट पेज को व्यू किया है इन द लास्ट 30 डेज, प्रोडक्ट पेज को व्यू किया इन द लास्ट 30 डेज। एंड क्या अब प्रोडक्ट पेज फेसबुक को कैसे पता चलेगा ये पेज प्रोडक्ट पेज है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उन जिन जिन प्रोडक्ट पेज को ढूंढ उन जिनके यूआरएल में क्या प्रोडक्ट्स है, मतलब कि जितने भी मेरे वेबसाइट पे प्रोडक्ट है, ये देखो हर एक के बीच में क्या आ रहा है, हर एक के यूआरएल में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स कॉमन आ रहा है, क्या हर एक के यूआरएल में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फेसबुक को क्या बता दिया कि भाई उन यूआरएल को ढूंढ जिसमें प्रोडक्ट्स आ ही रहा है, तो फेसबुक उन यूआरएल को ढूंढेगा जिन यूआरएल में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स आ रहा है, ठीक है। फेसबुक ने ढूंढ दिए भाई ये सब, अब फेसबुक क्या करेगा, इनकी एक ऑडियंस बनाएगा, क्या ऐसे बंदे जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट को व्यू किया है, ठीक है, उन बंदों को फेसबुक ढूंढेगा। कैसे पता चलेगा फेसबुक को उन्होंने प्रोडक्ट व्यू किया है उनके यूआरएल में, जब कोई बंदा कोई प्रोडक्ट को व्यू कर रहा है उसके यूआरएल में प्रोडक्ट्स आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, हर एक प्रोडक्ट की यूआरएल में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स आ रहा है। फेसबुक इनको ढूंढेगा जिन्होंने जो लोग लास्ट 30 डेज में इस यूआरएल पे गए हैं जो कि प्रोडक्ट्स आई रहा है जिन यूआरएल में, फेसबुक उनको ढूंढेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ढूंढेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, उन लोगों ने उनको तो ढूंढ जो मेरे प्रोडक्ट पे आ चुके हैं, ठीक है, बट एक चीज बताओ, क्या आप उनको रिटारगेट करना चाहोगे, जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर दिया है, नहीं करना चाहोगे, ठीक है, आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, एक्सक्लूड दोस पीपल, सोर्स आपका मेटा ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इवेंट परचेज, कहना क्या चाह रहा हूँ, ये देखो इवेंट परचेज मैंने क्या बोल दिया, अब देखो मैंने फेसबुक को बोला सबसे पहले ऐसे बंदों को ढूंढ जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट पेज को व्यू किया है। कैसे फेसबुक फाइंड आउट करेगा, मैंने फेसबुक को कंडीशन दे दी, जिन जिन यूआरएल में प्रोडक्ट्स आ रहा है, इट मींस मेरा प्रोडक्ट पेज हिट हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट पेज व्यू हो रहा है, जिन जिन यूआरएल में प्रोडक्ट्स आ रहा है उन यूआरएल को ढूंढ, इससे फेसबुक को क्या पता चलेगा इन लोगों ने प्रोडक्ट पेज व्यू किया, ठीक है, मैंने ये बोल दिया। मतलब कि प्रोडक्ट व्यू ऐसे बंदे जिन्होंने प्रोडक्ट को व्यू किया। अब मैं क्या कह रहा हूं, इनमें से माइनस प्रोडक्ट व्यू माइनस
उन लोगों को कर दे जिन्होंने परचेज इवेंट कर दिया, मतलब कि मेरा परचेज, अब प्रोडक्ट तो व्यू किया एंड उनमें से जिन लोगों ने परचेज कर दिया उनको माइनस कर दे। अब बचे कौन लोग जिन्होंने नहीं किया परचेज, समझे? ऐसे बंदे जिन्होंने प्रोडक्ट को व्यू किया एंड उनमें से उन लोगों को माइनस कर दे जिन्होंने परचेज कर दिया। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, अगर 100 लोगों ने प्रोडक्ट व्यू कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 100 लोगों ने प्रोडक्ट व्यू कर दिया, अब 100 में से मान लो 10 लोगों ने क्या कर दिया, परचेज कर दिया। ठीक है, 10 लोगों ने क्या कर दिया, परचेज कर दिया। क्या मैं इन 10 लोगों को रीटारगेट करना चाहूंगा? अभी मेरी कोई मेंशन नहीं है क्रॉस सेल करने की, अपसेल करने की, मैं नहीं चाहूंगा, मैं अपने पुराने प्रोडक्ट को ही बेचना चाहूंगा। तो क्या करूंगा मैं, 10 माइनस 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 वो लोग है जिन्होंने परचेज नहीं किया। अब मैं इनको रीटारगेट करना चाहूंगा, ये देखो मैंने यहां से ऑडियंस बना दी। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑडियंस का नाम दूंगा क्या, प्रोडक्ट व्यू माइनस परचेज, मतलब कि ऐसे लोग जिन्होंने प्रोडक्ट तो व्यू किया बट परचेज नहीं किया इन द लास्ट 30 डेज। एंड ये मैं ऑडियंस किस तारीख को बना रहा हूँ, 14 फेब 2023, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये देखो कितने अच्छी तरह से मैंने बना दिया, और मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सिंपल क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दूंगा। देखो कंडीशंस आपको सोचनी पड़ेगी क्या, तो ये देखो बन गया मेरी ऑडियंस, डन कर दो इसे। ठीक है, अब ये कुछ देर में बता देगा कितने लोग इसके अंदर आ रहे हैं, कितने लोग वेबसाइट पे, मतलब टोटल ऐसे कितने विजिटर्स है जितने आ रहे हैं इसमें फॉल कर रहे हैं। कुछ पुरानी ऑडियंसेस को मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कुछ पुरानी ऑडियंसेस को दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दिखा रहा है, इसका साइज देखो, ऑडियंस का साइज, ये जो आप देख रहे हो ऑडियंस का साइज, इसमें इतने ऑडियंस है, ठीक है, इसमें इतने ऑडियंस है, ये देखो इस तरह से ये ऑडियंस है। अभी इसमें देखोगे, अभी इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो आपने बनाई है, अभी फेसबुक थोड़ा टाइम तो दो कि भाई कितने लोग, फेसबुक कैलकुलेट करेगा और उसके बाद दिखाएगा। ठीक है, थोड़ी और ऑडियंस की हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते, कस्टम ऑडियंस के अंदर जाएंगे, वेबसाइट के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट के अंदर जाएंगे। अब मैं एक और कंडीशन क्या दे रहा हूँ, अगर मान लो आपका लीड जन फॉर्म होता, क्या अगर आपका मान लो लीड जनरेशन अगर आप चला रहे होते अपनी वेबसाइट पे, आप लोगों का ट्रैफिक भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, अपनी वेबसाइट पे आप लोगों का ट्रैफिक भेज रहे हो, लीड जनरेशन आपका मेन मकसद है, तो आपको क्या होना चाहिए, ऐसे बंदे जो आपके वेबसाइट पे आए हुए हैं, लैंडिंग पेज है तो एक पेज का ही होगा, तो आप चाहे यहाँ पे ऑल वेबसाइट विजिटर कर दो, या फिर आप क्या कर दो, पीपल हू विजिटेड स्पेसिफिक पेज, मैं यहाँ पे ऑल वेबसाइट विजिटर कर दूंगा। ठीक है, उनमें से उन लोगों को एक्सक्लूड कर दो जो आपके थैंक यू पेज पर आ चुके हैं, मतलब कि आपका जो भी यहाँ इवेंट होगा, क्या जो भी आपका यहाँ इवेंट होगा उसे एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, नहीं तो एक और चीज कर दो, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अब मैंने क्या बोल दिया, आप देखो मैंने ध्यान से क्या बोल दिया, ऐसे बंदों को टारगेट कर जो मेरे वेबसाइट पर आ चुके हैं। फेसबुक क्या करेगा, अब उन लोगों को टारगेट करेगा जो मेरे वेबसाइट पे आ चुके हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर, फेसबुक उन लोगों को ढूंढ जो मेरे वेबसाइट पर आ चुके हैं, फेसबुक उन लोगों को ढूंढेगा जो मेरे वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब मैंने माइनस किन लोगों को कर दिया, एक्सक्लूड मैंने उन लोगों को किया जो मेरे वेबसाइट के स्पेसिफिक पेज पर आया जिसका यूआरएल है थैंक यू। ठीक है, क्या मतलब, ऑल वेबसाइट विजिटर माइनस थैंक यू, ऐसे बंदे जो मेरे वेबसाइट पे आ चुके हैं इन द लास्ट 30 डेज, माइनस एक्सक्लूड उन लोगों को कर जो लोग मेरे थैंक यू पेज पर आए हुए हैं। ठीक है, मतलब कि अगर 100 लोग मेरे वेबसाइट पर आ चुके हैं, 100 लोग मेरे वेबसाइट पर आ चुके हैं, उसमें से 20 लोगों ने क्या कर दिया, थैंक यू पेज को विजिट कर दिया, तो मैं इन 20 लोगों को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, तो बचे कितने, 80 विजिटर को मैं रीटारगेट कर रहा हूँ, इनके बेसिस पे ऑडियंस बना रहा हूँ। ठीक है, ये कंडीशन है। और कंडीशन देखते हैं, अब देखो ई कॉमर्स है, तो आप बहुत सारी कंडीशन बना सकते हो, क्या ई कॉमर्स है, ऐसे बंदे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया इन द लास्ट 30 डेज, इसकी एक ऑडियंस बना दो,
ऐसे बंदे जिन्होंने एड टू कार्ट किया, बहुत अच्छी बात है, एड टू कार्ट किया, क्या एड टू कार्ट किया, एड टू कार्ट का एक इवेंट बनाया हुआ है मैंने फेसबुक में, तो इससे क्या होगा, ऐसे बंदे जिन्होंने एड टू कार्ट किया, अब फेसबुक उन लोगों को ढूंढेगा, मान लो 100 लोगों ने एड टू कार्ट किया, एड टू कार्ट किया इन द लास्ट 30 डेज, आप यहाँ से और बढ़ा सकते हो, आप यहाँ से 60 कर सकते हो, ठीक है, या बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम आप 365 तक ले जा सकते हो, नहीं 180 ले जा सकते हो, हाँ 365 में भी शायद लोकल लाइफ में होगा, यहाँ पे 180 ले जा सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो, 180 कर सकते हो, ठीक है, एड टू कार्ट, आप आपके यहाँ पास यहाँ पे जो रिटेंशन पीरियड दिख रहा है, आप इसे मैक्सिमम कितना ले जा सकते हो, 180 ले जा सकते हो, बाई डिफॉल्ट यहाँ 30 होता है, आप यहाँ से कितना ले जा सकते हो, 180 आप ले जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, 180 ले जा सकते हो, ऐसे बंदे जिन्होंने एड टू कार्ट किया इन द लास्ट 180 डेज, आप इनको रिटारगेट कर दो, ऐसे बंदे जिन्होंने एड टू कार्ट किया है, एड टू कार्ट किया है, एड टू कार्ट किया, आप इनको रिटारगेट कर दो, बट एक चीज मैं कहूंगा, रिटारगेट ऐसी सिंपल कंडीशन पे ना बनाना, मैं कहूंगा एड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, एड टू कार्ट किया है, एड टू कार्ट किया है बट परचेज नहीं किया, उनको करो ना जिन्होंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, जिन्होंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ, आप ऐसे को क्यों टारगेट कर रहे हो, एग्जाम्पल देखो, ऐसे बंदे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, सबसे पहले फेसबुक उन लोगों को ढूंढेगा, ठीक है, ऐसे बंदे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया इन द लास्ट 180 डेज, फेसबुक उन लोगों को ढूंढेगा, अब मैं बोल रहा हूं, अब उनमें से माइनस एक्सक्लूड कर दे दोस पीपल हु हैव परचेज समथिंग फ्रॉम माय ई-कॉमर्स स्टोर, ठीक है, मान लो क्या बोल रहा हूं, 100 लोगों ने क्या किया, ऐड टू कार्ट, बहुत अच्छी बात है, 100 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, माइनस 5 लोग जिन्होंने परचेज किया, 5 लोगों ने परचेज किया, ठीक है, तो बचे कितने लोग, 95 लोग जिनको मैं रीटारगेट करूंगा, बचे कितने, 95 लोग, 100 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, 5 लोगों ने परचेज किया, तो मुझे तो 95 को करना चाहिए ना, इन 5 लोगों को मैं टारगेट करके क्या करूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन बना सकते हो, रिटेंशन पीरियड मैंने आपको बता दिया आप कितना कर सकते हो, ठीक है, आप और भी देखोगे, और भी आप कंडीशन बना सकते हो, विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, ये देखो विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, ये देखो इसके बेस पे भी आप टारगेट कर सकते हो, 25, 5, 5, इसके बेस पे आप टाइम स्पेंड के बेसिस पे आप कर सकते हो, मतलब कि आपको अलग अलग कंडीशन बनानी, एक और चीज आपको बताता हूँ, ये देखो विजिटर हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, विजिटर हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज पहले आएगा, अब जैसे मैंने विजिटर हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज इन विच द यूआरएल कंटेन्स प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छी बात है, यूआरएल कंटेन प्रोडक्ट्स फर्दर रिफाइन बाय, ये देख रहे हो फर्दर रिफाइन बाय, आप इसके बेसिस पे डिवाइस के बेस पे करो, ऑल डिवाइस विजिटर हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज दैट कंटेन प्रोडक्ट्स इन द यूआरएल, विजिटर हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज, ऐसे लोग, ऐसे पीपल जो मेरे स्पेसिफिक पेज पर आए, जिनके यूआरएल में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स आ रहा है, सबसे पहले फेसबुक उन लोगों को ढूंढेगा, ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, मान लो 100 लोगों को फेसबुक ने ढूंढा, 100 लोगों को फेसबुक ने ढूंढा, ये मैं सारी आपको कंडीशन दे रहा हूं ताकि आप समझ पाओ, ठीक है, ऐसे लोग जो लोग ऐसे लोगों को ढूंढ फेसबुक, जो लोग मेरे स्पेसिफिक पेज पर आए हुए हैं, जो लोग मेरे स्पेसिफिक पेज पर आए हुए हैं, जिनके पेज का यूआरएल क्या है, प्रोडक्ट, जिनके पेज के यूआरएल में आ रहा है, मतलब कि जिन्होंने मेरा प्रोडक्ट पेज व्यू किया, ऐसे लोग को फेसबुक ढूंढेगा, अब मैं क्या करूं, मान लो फेसबुक ने ऐसे 100 लोगों को ढूंढा जो मेरे प्रोडक्ट पेज व्यू कर रहे हैं, जो मेरे प्रोडक्ट पेज व्यू कर रहे हैं, मैं लेकिन क्या बोल रहा हूं, बट 100 में से लगाओ ओनली 80 पीपल कहां से आ रहे, 80 पीपल कहां से आ रहे, मोबाइल में से, ठीक है, मोबाइल में से, और मैं टारगेट करना चाहता हूं, मैं टारगेट करना चाह रहा हूं इन्हीं 80 लोगों को, तो मैं क्या करूंगा, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज इन द लास्ट 180 डेज इन विच द यूआरएल कंटेन्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड ऑल्सो रिफाइंड एंड फर्दर रिफाइंड बाय एक डिवाइस एंड ऑल मोबाइल यूजर्स, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 100 लोग मेरे प्रोडक्ट पेज को व्यू कर रहे हैं इन द लास्ट 180 डेज, बट उसमें 80 लोग ही ऐसे हैं जो मोबाइल पे आए हुए हैं, और मैं मोबाइल वालों को रिटारगेट करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको रिटारगेट कैसे करूंगा, आपको मैंने कंडीशन बनाई, इसके बेसिस पे आप रिटारगेट करना चाहते हो, अगर आप आईएस यूजर्स को करना चाहते हो कर सकते, ठीक है, देखो कंडीशन इसमें आप इतनी बना सकते हो ना, आप अगर देखोगे बहुत बहुत आप समझ जाओगे क्या, ये देखो और कंडीशन,
फर्दर रिफाइंड बाय एग्रीगेट वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ, एवरेज ऑफ। ये देखो कितने अलग अलग ऑप्शंस है, ठीक है, कितने अलग अलग ऑप्शन आप किन किन बेसिस पे रिटारगेट करना चाहते हो, ठीक है, किन किन बेसिस पे आप रिटारगेट कर सकते हो, आप ये चीज सोचनी पड़ेगी आपको। देखो आपको ये क्या, फेसबुक ने आपको एक ऑप्शन दे रखा है, क्या कस्टम ऑडियंस बनाने का, आखिर क्या फेसबुक ने ऑप्शन दे रहा है, अपने आप बनी बनाई चीजें नहीं देगा, क्या बनी बनाई चीजें नहीं देगा। ये देखो फेसबुक ने लिखा भी क्या, कनेक्ट विद द पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस। कनेक्ट करेगा फेसबुक आपको उन लोगों से जिन लोगों ने ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ एक्टिविटी शो किया है, इंटरेस्ट शो किया है। इट मींस रीटारगेट करने की अपॉर्चुनिटी है, यू कैन क्रिएट एन ऑडियंस फ्रॉम योर कस्टमर कॉन्टेक्ट वेबसाइट, अलग अलग टाइप, ठीक है। हमने बहुत डिस्कशन कर लिया वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के अंदर। इसके बाद आप ऐप वगैरह के बेसिस पे कस्टमर लिस्ट क्या आपको मैं दिखा देता हूँ। कस्टमर लिस्ट, अगर आपके पास कस्टमर्स का डेटा है, क्या अगर आपके पास कस्टमर्स का डेटा है, कस्टमर्स का क्या डेटा है, ईमेल का डेटा है, मोबाइल का डेटा है, ठीक है, अगर आपके नाम वगैरह का डेटा, ये सारे डेटा है, तो आपको क्या करना है, इसकी एक एक्सेल शीट में सीएसवी फाइल आपको बनानी है, सीएसवी फाइल आपको बनानी है और आपको फेसबुक पे अपलोड कर देना है, फेसबुक पे अपलोड कर देना है। अब फेसबुक क्या करेगा, उन लोगों को ढूंढेगा, उन लोगों को क्या करेगा, फाइंड करेगा जो लोग इस क्राइटेरिया को मीट करते होंगे, ठीक है। मतलब अब आपको क्या करना है, सिंपल, अगर आपको लोगों, कुछ लोगों का डेटा पता है, ईमेल, मोबाइल, नेम, इसका डेटा पता है, तो आपको क्या करना है, इस डेटा को एक सीएसवी फाइल में क्या करना है, फेसबुक को दे देना है, फेसबुक को अपलोड कर देना है। अब फेसबुक फाइंड करेगा इनमें से वो पीपल जो लोग फेसबुक पे अवेलेबल है। कैसे फेसबुक को पता चलेगा, भाई जब भी लोग फेसबुक पे आईडी बनाते हैं ना, अपना नाम, नंबर, ये सब देते हैं, ईमेल आईडी सब देते हैं, ठीक है, तो फेसबुक वहां से पता लगा लेगा, फेसबुक वहां से पता लगाएगा, अगर वो होंगे तो फेसबुक उन्हें टारगेट करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे आने वाले कुछ वीडियो में, मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा, इसको अभी हम देखते हैं। ज्यादातर लोग किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, आपके वेबसाइट वगैरह का यूज करते हैं। ऐप एक्टिविटी, सिंपल सी बात है, ऐप एक्टिविटी से आप समझ गए होंगे क्या करना है, ऐप एक्टिविटी से आपको क्या करना है, ऐप के बेसिस पे आप रिटारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, लोग पहली बात वेबसाइट वगैरह का यूज करते हैं, दूसरा मेटा सोर्सेज बहुत बार यूज होता है। ये देखो बहुत अच्छा तरह से ऑप्शन दे रखा है मेटा ने, फेसबुक ने। ये देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वीडियो पे, सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं, वीडियो पे जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ये देखो सबसे पहले इंगेजमेंट टाइम, क्या ऐसे बंदे, पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 सेकंड ऑफ योर वीडियो, पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 3 सेकंड ऑफ योर वीडियो, पीपल हु व्यूड एटलीस्ट 10 सेकंड ऑफ योर वीडियो, पीपल हु आइदर कंप्लीटेड और व्यूड एटलीस्ट 15 सेकंड ऑफ योर वीडियो। मान लो आपकी कोई वीडियो है, ठीक है, आपकी कोई वीडियो और वो वायरल वगैरह हो गई है, ठीक है, आप उन लोगों को रिटारगेट करना चाहते हो जिन्होंने आपकी वीडियो को 25% देखा है, जिन्होंने आपकी वीडियो को 25% देखा है, आप उन लोगों को रिटारगेट करना चाहते हो जिन्होंने आपकी वीडियो को 50% तक देखा है, आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहो जिन्होंने आपकी आपकी वीडियो को 95% तक देखा है, तो आप टारगेट वीडियो के बेसिस पे कर सकते हो। एग्जांपल देता हूँ, पीपल हु वॉच्ड एटलीस्ट 95% ऑफ योर वीडियो, पीपल हु वॉच्ड एट 95% ऑफ योर वीडियो, मैंने ये सिलेक्ट किया, चूज वीडियो पे मैं गया, चूज वीडियो पे जाने के बाद क्या, चूज वीडियो पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कोई यहाँ पे मैं वीडियो सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना कोई अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उस अकाउंट में से कोई ऐसी वायरल वीडियो होगी मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो ये 1 लाख कुछ 1.5 लाख के करीब गए, मैं इसको सेलेक्ट करके ऐसी मैं इसको 4.5 लाख लोगों ने देखा है, ये देखो मैं इसको सेलेक्ट करके कंफर्म कर देता हूँ, और भी होगी तो और भी मैं सेलेक्ट कर दूंगा। People who viewed at least 95% of this video, मैं इसको टारगेट करूंगा, जिन्होंने 95% मेरी वीडियो का देख लिया है, मतलब कि मान लो 30 सेकंड की आपकी वीडियो, मान लो 30 सेकंड की आपकी वीडियो है, ठीक है, 30 सेकंड वाली वीडियो में से मान लो 95% कितना हो गया, 95% कितना हो गया, लगभग हो गया 27 या 28 सेकंड तक, जिन्होंने 27-28 सेकंड तक आपकी वीडियो को देखा, उन लोगों को फेसबुक ढूंढेगा और रिटारगेट करेगा, ठीक है, ये चीज है। बैंड वीडियो का रिटेंशन पीरियड, ऐसे लोगों को ढूंढ जिन्होंने मेरी वीडियो को 95% देखा है इन द लास्ट 365 days। 365 यहाँ पे आता है, पीछे वेबसाइट में आता है, मैक्स टू मैक्स आप 180 days लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटेंशन पीरियड कितना आता है, 365 days आता है। ऐसे लोग जिन्होंने आपकी वीडियो को 95% देखा इन द लास्ट 365 days, उनको फेसबुक रिटारगेट करेगा और यहाँ पे आप ऑडियंस का नाम दे दो।
ये देखो एक हो गया वीडियो के बेसिस पे आप कर लो, और दिखाता हूँ आपको और किस बेसिस पे आप कर सकते हो। कस्टम के अंदर गया मैं और आप क्या कर सकते हो, लीड फॉर्म, ऐसे बंदे जिन्होंने आपके लीड फॉर्म को भरा हुआ एक बार जाते हैं इस पे, क्योंकि ये वेबसाइट ई कॉमर्स है तो इसमें शायद वो नहीं दिखेगा। आपका पहली बात तो लीड फॉर्म होना चाहिए, क्या आपका पहली बात तो लीड फॉर्म होना चाहिए। लीड फॉर्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी कोई ई कॉमर्स, अगर आपकी कोई कौन सी वेबसाइट है, अगर आपकी कोई रियल एस्टेट के रिलेटेड है, कोई मान लो एडटेक वेबसाइट है, एजुकेशन के रिलेटेड है, तो वहां पे आप लीड जनरेट करोगे। लीड जनरेट करने के लिए आप फेसबुक पे इंस्टेंट फॉर्म लगाओगे, फेसबुक पे क्या करोगे इंस्टेंट फॉर्म लगाओगे, बहुत अच्छी बात है। इंस्टेंट फॉर्म आप उसके बेस पे रिटारगेट करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ, और आपके सामने क्या ऑप्शन दिख रहा है, फेसबुक पेज का दिख रहा है यहाँ पे, इस पे जाते हैं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज पे जाने के बाद क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आपको फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है, कर लिया आपने, अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, इवेंट्स, ठीक है। ऐसे बंदे, ऐसे बंदे, एवरीवन हु एंगेज विद योर टारगेट ऑडियंस, हु एंगेज विद योर पेज, ऐसे लोग जिन्होंने आपके पेज के साथ एंगेजमेंट शो किया, अगर आप सभी लोग को उनको टारगेट करना चाहते हो, एंड इवन हु विजिटेड योर पेज, आप उन सारे लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो आपके पेज को विजिट किए हुए, दिस इंक्लूड एनी वन हु विजिटेड योर पेज रिगार्डलेस ऑफ द एक्शन दे लू, मतलब उन्होंने चाहे एक्शन लिया हो या ना लिया, उन्होंने कहीं किसी चीज को लाइक किया हो या नहीं किया हो, बट अगर वो आपके पेज पर आए हुए तो वो रिटारगेट हो जाएंगे। एवरी वन हु एंगेज विद योर पेज, इसका मतलब है, इसका मतलब देखो, इंक्लूड पीपल हु हैव विजिटेड योर पेज और टेकन एन एक्शन ऑन योर पोस्ट, मतलब की आपके पेज पे तो विजिट किया है एंड उसके साथ कोई एक्शन किया, लाइक वगैरह किया, रिएक्शन किया, शेयर किया, कमेंट किया, आप फेसबुक नहीं ढूंढेगा, ठीक है। ये देखो अकाउंट सेंटर अकाउंट हु एंगेज विद एनी ऑफ द पोस्ट और एड, क्या बोल रहा है, इंक्लूड अकाउंट सेंटर अकाउंट हु हैव टेकन एन एक्शन ऑन अ पोस्ट और अ एड, सच एंड इसने ये सारे, मतलब सारे आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस बना सकते हो, ये देखो हर एक टाइप के वेरिएशन बना सकते हो। अकाउंट सेंटर हु सेव्ड एनी पोस्ट, जिन्होंने आपके पेज को सेव किया हुआ है, हु सेंट अ मैसेज टू योर पेज, देखो अलग अलग टाइप के, हु क्लिक्ड एनी कॉल टू एक्शन बटन, देखो आप समझ रहे होंगे आप किन किन टाइप के बेसिस पे आप क्या बना सकते हो, ऑडियंस बना सकते हो। इंक्लूड एंड एक्सक्लूड आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इंक्लूड है मतलब ऐसे बंदे जिन्होंने क्या किया हुआ है, मान लो सेव भी किया हुआ है, ठीक है। इंक्लूड मोर पीपल, ऐसे बंदे जिन्होंने आपके पेज को लाइक भी किया, मतलब ऐसे बंदे को फेसबुक ढूंढेगा जिन्होंने या तो सेव किया हो या तो लाइक या तो कोई कॉल टू एक्शन बटन पे और लिखा है ना, और एंड का डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, आपको मैंने बताया भी होगा किसी क्लास में, ठीक है। हु सेव्ड एनी ऑफ द पोस्ट, ऐसे बंदे जिन्होंने, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको ये चीज लिखनी है, थोड़ा ध्यान से देखना है, एनालाइज करना है, ठीक है। ऐसे बंदे जिन्होंने आपकी पोस्ट को सेव किया हुआ है, फेसबुक सबसे पहले उन लोगों को ढूंढेगा जिन्होंने आपके पोस्ट को सेव किया हुआ है इन द लास्ट 365 days, ठीक है। एंड देन या उसने सेव किया हो या उसने कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया हो, मैं या बोल रहा हूँ, या मतलब या तो उसने और लिखा हुआ है ना, और माने या, सिंपल सी बात है, और माने या, उसने या तो सेव किया हो कोई पोस्ट को, सेव्ड एनी ऑफ द पोस्ट, या तो सेव्ड एनी ऑफ द पोस्ट, या और या उसने कॉल टू एक्शन बटन पे सीटीए बटन पे क्लिक किया हो, ठीक है। सेव किया हो या सीटीए बटन पे क्लिक किया हो, फेसबुक उनमें से किसी भी लोग को ढूंढेगा और क्या करेगा, रीटारगेट करेगा। इस टाइप की आप ऑडियंसेस बना सकते हो, ये देखो इंस्टेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप ऑडियंस बना सकते हो, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, एआर एक्सपीरियंस, ऑन पेज शॉपिंग के बेस पे, जाते हैं, शॉपिंग के बेस पे क्या है, पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अलग अलग टाइप के आप यहाँ से क्या बना सकते हो, वो बना सकते हो ऑडियंस। देखो अभी क्या है, अभी आपको जो मैंने इतनी सारी नॉलेज दी, इतने सारे कंडीशन दिए बताने को, और कंडीशन बता सकता हूँ, बट आपको क्या करना है, खुद इन सारे ऑप्शंस को देखना है, खुद आपको थोड़ी सी यहाँ पे एनालिसिस करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि आप किन किन टाइप के ऑडियंसेस आप बना सकते हो, किन किन टाइप के आप ऑडियंसेस बना सकते हो। जब आप ऑडियंस बना देते हो ना, तो एक काम आपका और जरूरी हो जाता है, जैसे मैं वीडियो पे जाके नेक्स्ट करता हूँ, ऑडियंस का नाम जरूर आप दे देना ढंग से। देखो इतनी सारी मैंने ऑडियंसेस आप देख रहे हो, मैं ऑडियंस को उसको पहचान पा रहा हूँ आखिरकार ये मैं किस पर्पज से ऑडियंस बनाई हुई है, ठीक है। इस तरह से आपको ऑडियंसेस का नाम ढंग से देना है, ठीक है। तो अभी आपका क्या है, प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, हर टाइप की ऑडियंस पे देखो
एनालिसिस आपको करनी है, मैं आपको टास्क में दे रहा हूँ। टास्क आपका क्या है? टास्क आपका ये है, एक आपको क्या करनी है, ऑडियंस आपको सोचनी है। ई कॉमर्स अगर आपका कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट एंड सर्विस है, ई कॉमर्स अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ई कॉमर्स स्टोर पे, तो आपको उसके बेसिस पे एक ऑडियंस की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। दूसरी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग किसके बेसिस पे करोगे, एक मान लो लीड जेन अगर आप कोई कैंपेन चला रहे हो, क्या चला रहे हो, अगर आप लीड जेन कैंपेन चला रहे हो तो उसके बेसिस पे आपको ऑडियंसेस को टारगेट करना, अलग अलग टाइप की आपको ऑडियंसेस सोचनी है। देखो फेसबुक ने तो ये क्या दे रखा, ऑप्शन दे रखा है ना, फेसबुक ने तो ऑप्शन दे रखा, बट दिमाग तो आखिरकार आपका ही लगेगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इतने सारे ऑप्शन दे रखे यार, बट एक चीज बताओ, इतने सारे ऑप्शन में से आपको क्या यूज करना, आपको ये चीज पता है, आपको ये चीज पता है, आपको ये कब पता चलेगा, जब आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। देखो मैंने भी आपको देखो इतने सारे ऑप्शन दिखाया, बट मैं किसका ज्यादा यूज करता हूँ आपको मैं बता देता हूँ। वेबसाइट वगैरह का मैं ज्यादा यूज करता हूँ, वीडियो के बेसिस में क्रिएट करता हूँ, फेसबुक पेज के बेसिस पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ज्यादातर मैं इसे ही करता हूँ। लीड फॉर्म के बेसिस पे भी अब मैं क्रिएट करने लग गया, ठीक है, इतने सारे ऑप्शन दे रहेगा, बट मैं यूज इतना करता हूँ। अब आप देखो, ठीक है, आपको क्या करना है, अलग अलग कंडीशंस बनानी है, ठीक है। कंडीशन वेबसाइट के अंदर भी इतने कंडीशन बनेंगे ना, ऐड टू कार्ट मैंने बताया, चेकआउट के बेसिस पे आपको मैं बता सकता हूँ, और भी कहीं कहीं बेसिस पे आपको बना सकते हो, ठीक है। आपको ये चीज सोचनी है, देखो हर एक चीज करने का मतलब नहीं है, ऐसी चीज करो जिससे आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो, जिससे आपको लीड्स मिले, अल्टीमेटली सेल्स मिले। आपको सब कुछ सीख के, सब कुछ सीखने के बाद भी अगर कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है, इंप्लीमेंटेशन मोस्ट मस्ट है, मैं ये चीज बता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एक ई कॉमर्स के लिए लीड जन करो, एक ई कॉमर्स के लिए आपको ऑडियंसेस बनानी है कस्टम, एक आपको लीड जन के लिए बनानी है, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरे टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबली होगा लुक लाइक ऑडियंस का, इसमें कोई डाउट हो तो बता देना। अब आते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, अदरवाइज मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में।